हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई रियली होप सो लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आपका सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे खूबसूरत चैनल वर्तमान पॉड एकेडमी में। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बट कोई बात नहीं, आपके लिए वीडियो शूट करना था तो हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफी कुछ बात की थी गिट एंड गिटहब के बारे में। एक सेकंड रुकिएगा, मैं कैमरा स्पिन कर लीजिएगा। ओके, पिछले वीडियो मैंने काफी कुछ बात की थी गिट एंड गिटहब के बारे में, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज भाई साहब जाइए उस वीडियो को देख के आइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दिए करिए कि भैया हम आपका ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है भाई लोग। नहीं प्लीज समझा करो यार, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, मोटी वाला वेशन नहीं, मतलब मोटिवेशन, ठीक है, मोटी वाला वेशन नहीं, ठीक है। गिट एंड गिटहब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत डीप में बात की थी। गिट का मतलब गिट की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन ट्रैकर। और हमने बात की थी कि इसके अंदर हम लोग कैसे फाइल ट्रैकिंग चेंजेस काम करते हैं, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट होता है, क्या कोलैबोरेशन होती है, कैसे फाइल ट्रैक चेंजेस काम करते हैं, क्या वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, उसके टाइप्स जो कि दो टाइप के होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रलाइज्ड, कैसे आपका रिमोट सर्वर काम करता है, गिट का आर्किटेक्चर क्या होता है, गिट बैस मतलब गिट और गिटहब में डिफरेंस क्या होता है, सारा कुछ हम बात करके आ चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में ही बात कर ली थी कि हम पूरा कंप्लीट करेंगे कमांड वगैरह भी, और सेकंड वीडियो में हम लोग थोड़ा एडवांस जाएंगे। बट अब तीन पार्ट में वीडियो आएगी ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, पिछला वाला वीडियो आधे में कट हो गया था तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। अब टेक्निकल रीजन कुछ कुछ ना कुछ तो आ जाते हैं यार, तो उन सबको इग्नोर करते हुए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आ जाइए हमारे गिट एंड गिटहब के पार्ट नंबर टू के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपके में गिट सही तरीके से इंस्टॉल कर ली होगी, मैंने पिछले वीडियो में आपको गिट इंस्टॉल करना और गिटहब में अकाउंट बनाने की प्रोसेस बता दी थी, इंस्टॉल करके मैंने आपको चेक भी करा दिया था वर्जन वगैरह। बट अगेन इस वीडियो में हम लोग फिर से चेक करने वाले हैं कि गिट का वर्जन कैसे चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं सिंपल सा जाऊंगा और अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूंगा। देखिए यहां से गए, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाओ, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन एक्चुअली में हो चुका है। और यहां पे मुझे अगर चेक करना है कि मेरी गिट सही तरीके से इंस्टॉल हुई है कि नहीं, तो सिंपल से कमांड होती है गिट हाइफन हाइफन या वर्जन या माइनस माइनस बोल दीजिए और वर्जन, जैसे आप इतना लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, हुई 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 आपके सामने गिट की वर्जन आ चुकी है। इसका मतलब आपका गिट सही तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो भैया अब जल्दी से आगे बढ़ जाइए, बिल्कुल चलिए बढ़ चलते हैं एक स्टेप आगे, ठीक है। तो आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब मैंने एक फोल्डर बना रखा है अपना डी ड्राइव के अंदर जाके गिट नाम का, और उसके अंदर मैंने अपने वीएस कोड को ओपन कर रखा है, ठीक है। और मैंने सिंपल सी एक index.html फाइल भी यहां पे बना रखी है। एक बार चलो रिकॉर्डिंग हो रही, वेरी गुड। अब देखिए इससे मेरा कोई मतलब नहीं, आप चाहें तो आप कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल बना सकते हैं, कोई सीएसएस की फाइल बना सकते हैं, कोई टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, जावा की बना सकते हैं, सी की बना सकते हैं, सी प्लस प्लस की बना सकते हैं, पाइथन बना सकते हैं, जिसकी मर्जी आप बनाइएगा और उसको अपने गिटहब में मतलब अपलोड करने की प्रक्रिया को सीख लीजिएगा, प्रोसेस को सीख लीजिएगा। बट मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा भाई साहब, मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी फाइल हो उसको आपको डालना सीखना है बस। अब वो तो कोई भी सीख सकते हैं फाइल बना के, ठीक है भाई साहब सिखा दीजिए, फिर चलिए आगे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस लिस्ट, ये कमांड होती है जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट की चेक कर सकते हैं, गिट किस फोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है, गिट किस फोल्डर में पड़ी हुई है, गिट का ओरिजिन वगैरह चेक करना है अगर आपको, तो एक गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस लिस्ट माइनस माइनस ओरिजिन माइनस सो लिस्ट ऐसा कुछ कमांड होती है, तो वहां से आप ओरिजिन वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो ये कमांड होती है। तो बेसिकली गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस लिस्ट आपको क्या देती है, बेसिकली आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन देती है गिट के बारे में, ऑथर ऑथर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको भूल जाइए। अब देखिए सबसे पहले अब इंपॉर्टेंट बात आती है यहां से, अगर आपने अपना गिटहब में पिछली बार अकाउंट बनाया होगा, क्या अगर आपने पिछली बार अपना गिटहब में अकाउंट बनाया होगा तो आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली होगी कि वहां पे आपसे यूजर नेम मांगा जाता है और ईमेल मांगा जाता है, दोनों आप देते हो, ठीक है भैया, वो आपने गिटहब के अकाउंट में दे दिया। अब मैंने गिट को भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया था, तो मुझे अपने गिट सॉफ्टवेयर को भी ये चीज बतानी पड़ेगी कि बड़े भैया गिट भैया हमारे पास इस पर्टिकुलर यूजर नेम का और इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी का अकाउंट एग्जिस्ट करता है, तो जितने भी हमारे फाइल वगैरह को उस रिमोट सर्वर पर डालना वो इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर डालना। अच्छा भाई मतलब हम लोग को बताना पड़ेगा, हाँ क्योंकि भाई उसको कैसे पता चलेगा, बताना पड़ेगा ना, ठीक है बता देंगे, कैसे बताएंगे, देखिए उसके लिए कुछ बेसिक दो कमांड होती है, एक आपको यूजर नेम बताना पड़ता है और एक आपको बताना पड़ता है ईमेल। अच्छा पहला यूजर नेम दूसरा ईमेल, हाँ दोनों से काम बन जाएगा बिल्कुल, हमारे गिट को पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना हुआ भाई, ठीक है। हाँ पासवर्ड तो नहीं बताना पड़ता, नहीं पासवर्ड नहीं बताना, सिर्फ आपको बताना है यूजर नेम और बतानी ईमेल आईडी, बता दें। चलिए देखो तो मैं यहां पे आता हूं और आपके पास कमांड लिखी गई है गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस, इसको हाइफन हाइफन बोलिए, ग्लोबल यूजर डॉट नेम,
अच्छा ऐसा बताना पड़ेगा, बिल्कुल ओके आ जाइए। तो सबसे पहले देखिए मेरा यहाँ पे यूजर नेम दिया गया है, इसको मैं यूज करूंगा और मैं अपना सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ गिट बैज को। तो यहाँ से मैं जाऊँगा और जब आपने गिट डाउनलोड किया होगा तो आपके पास गिट बैज जरूर जरूर डाउनलोड हो गया होगा। ये देखिए गिट बैज, इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन हो जाओ, ठीक है ओपन हो चुका है। यहाँ से भी एक बार मैं लिखूंगा कमांड गिट माइनस माइनस या हाइफन हाइफन वर्जन, ओके बता रहा है वेरी गुड, क्लियर करा देना। क्लियर के लिखने आपको लिखना सी एल ई ए आर और आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। हमको सब क्या करना है अपना पहले यूजर नेम, तो मैं यहाँ से लिखूंगा गिट और कमांड थी कॉन्फिग, ठीक है। एक बार कमांड आप लोग यहाँ से देख लीजिए, मैं आपको सारी लिस्ट दे दूंगा, कमांड गलत मत लिखिएगा। गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन है माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम, ठीक है यूजर डॉट नेम, और मैंने यहां से यूजर नेम बोल दिया, क्या था आपका वन सेकेंड चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यूजर नेम अगर गलत होगा ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके भैया, अब जैसे आप यहां से जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका यूजर नेम सेट हो चुका है। अच्छा अब ईमेल आईडी सेट करने के क्या करना पड़ेगा, आपका यूजर नेम सेट हो गया। हाँ अगर आप इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी करके देख लीजिएगा आप लोग, अब इतना तो आप खुद से कर सकते हो ना एक्सप्लोर कि क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम आपको लगाना है दोनों इन्वर्टेड कॉमा, और उसके अंदर आपको सिंपल सा जो भी आपका यूजर नेम है उसको लिख देना है, इससे काम बन जाएगा। हाँ आपकी यूजर नेम सेट हो जाएगा। हाँ अब क्या सेट करना भैया, सेकंड काम हमारा ईमेल सेट करना, ईमेल आईडी सेट करना। वो कैसे करेंगे, सिंपल कमांड होती है गिट कॉन्फिग, देखिए दोनों कमांड में ज्यादा अंतर नहीं, गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट ईमेल करेंगे और जैसे ही आप यहां पे लिखेंगे वापस से अपनी ईमेल आईडी तो आपकी ईमेल आईडी सेट हो जाएगी। ईमेल आईडी बताना एक बार सुमित, ओके ईमेल आईडी को मिल चुकी है। चलिए आपकी ईमेल आईडी और आपका जो अकाउंट था वो पर्टिकुलरली सेट हो चुका है। अच्छा भैया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, नहीं ईमेल आईडी वगैरह कोई गलत अभी हमको लिखी होगी तो फिर इस पे प्रॉब्लम आएगी, इसको चेंज भी कर सकते हैं जाके, बट आपका सब कुछ सेट हो चुका है, आपने यूजर नेम भी सेट कर दिया है और आपने सेट कर दिया है ईमेल। और अब जाके आप वीडियो में नीचे लिख दीजिएगा कमेंट में कांग्रेचुलेशंस भैया हमने दोनों चीज को सेटअप कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको एक स्टेप और आगे बढ़ना है, कैसे देखो अब मैं यहां से बोलने वाला हूं एक, अगर मैं कमांड चला दूं, देखो गिट, देखो मैंने इसके बाद तुम्हें कमांड बताई थी यहाँ पे, अगर आप देखोगे ध्यान से मैंने बताई थी आपको कि आपको अगर चेक करना है तो गिट कॉन्फिग माइनस माइनस लिस्ट होती है जो कि कॉन्फ़िगरेशन देती है। तो देखो हम लिखूंगा गिट कॉन्फिग कॉन्फिग माइनस माइनस लिस्ट, ये देखो क्या देखिए आपको, ये देखो ध्यान से देखना, यूजर नेम यूजर ईमेल, ये देखो यूजर नेम यूजर ईमेल, ये देखो यूजर नेम यूजर ईमेल, यूजर नेम यूजर ईमेल, आपको दोनों मिल चुकी है। तो बेसिकली कॉन्फिग लिस्ट का यही काम होता है गिट कॉन्फिग माइनस माइनस लिस्ट का, कि वो आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन दे देती है, क्या ईमेल आईडी है, क्या यूजर नेम है, कहां पे वो सेट है वगैरह, अगर वो चेक करना तो आपको एक ओरिजिन कमांड होती है वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे क्लियर कर देंगे तो ओके लेट मी क्लियर ऑल दी स्टफ, ओके क्लियर हो जाओ और आपका सारा कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक। अब क्या करना है भैया, अब हमको सीखना है कि हम किसी भी फाइल को कैसे डाल सकते हैं अपने इस गिटहब अकाउंट के अंदर, ठीक है भैया। तो ओके हमने ये फाइल बना दी है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमको जाना है यहां से जाना टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे जाएंगे और देखिए न्यू टर्मिनल पे जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको बेसिकली मिलेगा ये, इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एक ऑप्शन गिट बैश का, जहां पे आपका पावर सेल ओपन होगा ना वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गिट बैश का, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपका गिट बैश जो है वो पर्टिकुलर ओपन हो जाएगा। मैं सारा कुछ गिट बैश के हेल्प से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या करना है भैया, सबसे पहले तो मेरे को ऐसा कर लेना है गिट स्टेटस, ओके हम इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। यहां से भी आप कमांड लिख के कर सकते हैं चीजों को और आप यहां से भी कमांड लिख के हैंडल कर सकते हैं, या देखिए जहां पे मैंने फोल्डर बना रखा था, ये देखिए वन सेकंड मेरा फोल्डर किधर गया, डी ड्राइव के अंदर मुझे जाना पड़ेगा शायद, और डी ड्राइव के अंदर पहुंच जाओ, ठीक है मेरा गिट नाम का फोल्डर बना होगा, ठीक है। और यहां पे मैं राइट क्लिक करूंगा
सो मोर ऑप्शन पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा गिट बैश हियर, ओपन गिट बैश हियर, और ये देखिए गिट बैश आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरह भी जाके इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाके कमांड लिख सकते हैं, और आप चाहें तो वीएस कोड के अंदर से भी आप गिट की कमांड चला सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है आप कहाँ चलाना चाहते हैं। दोनों कंडीशंस में आपकी कमांड सेम रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, दोनों जगह से आप लिख सकते हैं। मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ गिट कमांड लाइन को, मैं यहाँ से कोड लिख हमेशा कमांड लिखने की प्रीफर करता हूँ, मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहता कि वीएस कोड के टर्मिनल के नीचे से मैं कमांड लिखूं, बट ये आपकी डिपेंडेंसी है, ये आप ही पर डिपेंड करता है कि आप कोड कहां से लिखना चाहते हो। अब देखिए मेरी एक फाइल बनी थी index.html, मैंने उसको बना दिया था। तो मैंने सबसे पहले कमांड चलाई हुई है कि सबसे पहले मैंने यूजर नेम और अपनी ईमेल आईडी सेट कर दी, मतलब अब मेरा जितना भी कोड होगा उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर गिटहब के अंदर पहुंचेगा। अच्छा ठीक है भैया, अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको एक कमांड बताई अभी के अभी, गिट स्टेटस, इसमें लिखा है इट शोज द ट्रैक्ड एंड अनट्रैक्ड फाइल एंड सो मोर इन्फो, मतलब ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी फाइल कौन सी कंप्लीट हो चुकी है, ट्रैकिंग बताता है कि तुम्हारी फाइल कितनी कंप्लीट है, उसका स्टेटस क्या है करंट में, वो तुम्हारी तैयार है पुश होने के लिए कि नहीं, पब्लिश होने मतलब पुश या पब्लिश होने के लिए नहीं, कि स्टेजिंग एरिया में है कि अनस्टेज एरिया में है, एवरीथिंग जो भी आपको जानना है वो आपको गिट स्टेटस बताता है। स्टेटस मतलब क्या होता है, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हो ना, व्हाट्सएप पे आप स्टेटस देखते हो ना, तो जब आप व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हो तो उससे क्या होता है, आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो पर्टिकुलर आपका जो पर्सन है, जैसे लड़कों की बात करें तो अपनी गर्लफ्रेंड का स्टेटस देखते हैं ना खट से, अरे स्टेटस लग गया, देखो 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 इस बंदे के साथ घूम रही, पकड़ो इसको, कौन इसको पकड़ो, कोई बात नहीं भूल जाओ बात को, तो अब उसका तो काम खत्म हो गया, इधर सुनो। तो वैसा ही आपका उसका स्टेटस होता है, आपको ये बताता है कि आपकी करंट फाइल जितनी आपने काम किया है अपने कोडिंग पे, आपकी फाइल पे, आपके कोड पे, उस पे क्या क्या चेंजेस हुए। अच्छा ये सब गिट स्टेटस बताता है, हाँ ओके भैया, अच्छा ऐसा। तो अगर मैं यहां पे गिट स्टेटस चला दूं, एक मिनट मैं यहां पे चला दूं गिट स्टेटस, ये तो बता रहा है गिट नॉट अ गिट रिपोजिटरी, ऐसा क्यों, क्योंकि अभी तक आपने उसको गिट रिपोजिटरी बनाया ही नहीं। भैया आप क्या बोलना चाह रहे हो, सुनो मेरी बात, आप गिट स्टेटस कमांड तो चला रहे हो लेकिन ये किसकी बताती है भाई, गिट आपका क्या बताता है, गिट का काम होता है ट्रैक्ड और अनट्रैक्ड फाइल बताना, कोडिंग चेंजेस बताना, फाइल की हिस्ट्री बताना, लेकिन वो तो तब बता पाएगा ना जब गिट आपका इनिशियलाइज होगा, अभी तक तो आपने गिट को इनिशियलाइज ही नहीं किया। और अगर पिछले वीडियो देख के नहीं आया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने ये तो बोला था कि पिछला वीडियो देख के आइए। अच्छा भैया कैसे, पिछले वीडियो में मैंने बेटा बताया था आप लोग को बहुत ही प्यार तरीके से समझाया था कि देखो गिट का आर्किटेक्चर समझ लेना, अगर गिट का आपको आर्किटेक्चर नहीं आता तो आप लोग गिट को समझ नहीं पाओगे। मैंने आपको बोला था देखिए इधर आप समझिए ये आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर पूरा काम चल रहा होगा, और यहां पे आपका होगा गिट का सर्वर जिसको आप लोग बोलते हो गिट हब, क्या बोलते हो गिट हब, ये आपका गिट हब। अच्छा ये आपका रिमोट सर्वर होता है, हाँ भैया वन सेकेंड, ये आपका होता है रिमोट सर्वर, रिमोट सर्वर, वेरी गुड, ठीक है गिट हब ये। तो यहां पे हमको अपना कोड पुश करना है हाँ, लेकिन उसके पहले आपका पूरा काम आपके सिस्टम के अंदर चल रहा होता है, तो उसके लिए तीन एरिया होते हैं। हाँ भैया बात तो आपने को बताई थी तीन एरिया के बारे में, हाँ पहला बताया था कि आपको लिखना पड़ता है वर्किंग एरिया, वर्किंग एरिया का मतलब होता है कि आपको गिट को इनिशियलाइज करना पड़ता है, जब तक आप गिट को इनिशियलाइज नहीं करोगे तब तक आप गिट की कमांड नहीं चला पाओगे। अच्छा मतलब अगर मुझे सबसे पहले गिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा तो सबसे पहले मुझे डिक्लेयर करना पड़ता है एक वर्किंग एरिया, हाँ ये देखो मैं यहां गया और यहां पे मैंने गिट वर्किंग एरिया बना दिया है। सबसे पहले आपको बनता है वर्किंग एरिया, और ये बनता कैसे है, इसके लिए कमांड होती है गिट इनिट, इनिट मतलब इनिशियलाइज कर दो, गिट इनिट कमांड तुम जैसे चलाते हो तो वैसे ही आपका एक स्टेजिंग एरिया यानी सॉरी एक वर्किंग एरिया बनकर तैयार हो जाता है। अच्छा भैया तो मतलब मुझे यहां पे भी वो कमांड चलानी पड़ेगी, हाँ देखो मैंने बताया भी है, ये देखो गिट इनिट टू क्रिएट अ एम्प्टी रेपो एंड वर्क ऑन वर्किंग एरिया, तुम जिस भी वर्क एरिया में काम कर रहे हो उसमें अगर तुम्हें गिट की हेल्प चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें गिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, अगर तुम गिट को इनिशियलाइज नहीं करोगे तुम गिट की हेल्प ही नहीं कर गिट की हेल्प नहीं ले पाओगे। अच्छा तो पहले हमको इनिशियलाइज करना है, हाँ तो कैसे करेंगे, गिट इनिट कमांड की हेल्प से। अच्छा भैया चलाना कैसे सिखा दो, देखो यहां पे मुझे सिंपल करना है गिट और देना है इनिट 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 मतलब इनिशियलाइज कर दो, ये देखो इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। अब रिपोजिटरी वगैरह के बारे में पिछले बारे में बात कर चुके हैं, तो रिपोजिटरी आपकी जो इसको हम रेपो बोलते हैं गिट एम्प्टी गिट रेपो बन चुकी है, पक्का बन गई होगी। अगर देखो मैं फोल्डर के अंदर जाऊं आपका और देखूंगा आपकी गिट एम्प्टी फाइल बन चुकी है, हाँ पक्का बन चुकी है ना यार,
ये देखो आपका ये दिखाने लगा ना, ये देखो ये जो दिखाने लगता है ये इस साइन का मतलब है कि आपकी गिट एम्प्टी रेपो फाइल बन चुकी करंट में। अच्छा भैया ऐसा कुछ होता है, हाँ ओके, तो मतलब ये तो काफी अच्छी चीज है, तो बात बता रहा था। जब तक आप गिट को इनिशियलाइज ही नहीं करोगे आप गिट की कमांड को यूज ही नहीं कर पाओगे। अच्छा मतलब आप हमने एक एम्प्टी गिट रेपो फाइल क्रिएट कर ली, अब अगर हम गिट स्टेटस कमांड चलाऊंगा तो चल जाएगी। हाँ अच्छा नहीं मानता भैया, देख लो यार दिखा देता हूँ। गिट स्टेटस चला दी मैंने, गिट ऑन ब्रांच मास्टर। अब ये जब अगला वीडियो आएगा इसमें समझेंगे मास्टर ब्रांच क्या होती है, मेन ब्रांच क्या होती है, इसके बारे में सब समझेंगे। इतना समझ लो कि मास्टर ब्रांच होती है जिसमें आप करंट वर्क कर रहे हो, तो आपकी मास्टर ब्रांच होती है, मतलब पूरा का पूरा मेन पूरा मास्टर ब्रांच में काम चल रहा है आपका। तो आपके भी मास्टर ब्रांच में नो कमिट येट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल, ये आपको बता रही है कि अभी तक आपकी अनट्रैक्ड फाइल है, क्योंकि अभी तक इसको आपने कमिट नहीं किया, तो अभी तक ये अनट्रैक्ड फाइल में पड़ी हुई है। अभी तक आपकी अनट्रैक्ड फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये सब चीजें लिखी हुई इसके बारे में, ठीक है। अच्छा भैया हम मास्टर ब्रांच के अंदर जा रहे हैं, चल रहे हैं, बिल्कुल गिट स्टेटस ने आपको ये बता दिया। तो मतलब गिट स्टेटस आपके सारी फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दे तो दिया। अब भैया क्लियर हो गई सारी चीजें, ठीक है एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैंने जो एक फाइल बनाई थी, दो फाइल बनाई थी, तीन फाइल बनाई थी, चार फाइल बनाई थी, पांच फाइल बनाई थी, मैं कितनी सारी भी फाइल बना सकता हूं। देखो अभी यहां पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आ रही है, मैं जाता हूं वीएस कोड के अंदर, मैं एक और फाइल बना देता हूं। मेरा काम कितनी फाइल बनाऊं, मैं बना देता हूं इंडेक्स 2.html, ठीक है मैंने बना दी, और यहां पे ब्रैकेट में बराबर कोड लगा देता हूं, ठीक है ये लगा दिया। अब आपकी दो फाइल बन चुकी हैं, ठीक है भैया। अब अगर जाके मैं यहां पे लिखूंगा गिट स्टेटस, दो आपकी फाइल दिखा रही अनट्रैक्ड दोनों फाइल। अच्छा अब मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों की दोनों फाइल जो है वो स्टेजिंग एरिया में पहुंच जाए। स्टेजिंग एरिया में क्यों पहुंचाएंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि सबसे पहले आप वर्किंग एरिया में जाते हो, ठीक है भैया। वर्किंग एरिया के बाद आपका अगला स्टेप होता है कि आप जाओगे स्टेज एरिया में। किसमें जाओगे आप लोग, स्टेज एरिया में। किसमें जाओगे आप लोग, स्टेज एरिया में। और स्टेज एरिया में जाने के लिए आपके पास एक बेसिक्स कमांड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं गिट ऐड कमांड की हेल्प से आप लोग अपनी फाइलों को स्टेजिंग एरिया में ले जा सकते हैं। अच्छा कैसे, देखो अभी दिखा देता हूं आप लोग को, बहुत इजी है। देखो तो यहां पर लिखूंगा सिंपल सा गिट और ऐड, और अब देखिए अगर मैं इसके बाद डॉट ऐसे लिख दूंगा तो इसका मतलब जितनी भी फाइल आपकी होंगी अभी करंट में 2050 फाइल भी होंगी तो सारी की सारी फाइल जो होंगी वो स्टेजिंग एरिया में पहुंच जाएंगी। और अगर भैया मुझे सिंगल सिंगल फाइल पहुंचाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फाइल का नाम index.html। अब देखेंगे आप तो देखिएगा index.html जो की वो स्टेजिंग एरिया में पहुंच गई होगी, और index2.html जो की वो अभी तक स्टेजिंग एरिया में नहीं पहुंची होगी पक्का। देखो हम कम और गिट, ये देखिए ये बता रहा है आपकी कि भाई साहब ये जो आपकी पर्टिकुलर फाइल है ना ये स्टेजिंग एरिया में पहुंच चुकी है, लेकिन आपकी ये जो फाइल है ये अभी तक स्टेजिंग एरिया में नहीं पहुंची। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो फाइल को मैंने पहुंचा दिया स्टेजिंग एरिया में, अगर मैं चाहता हूं कि इसको वापस से मैं अनस्टेजिंग एरिया में ले आऊं, तो इसके लिए मेरे पास एक कमांड होती है git rm --cached और उस फाइल का नाम। अच्छा भैया ऐसे कोई नाम होती है, ये देखिए यहां पर कमांड लिख के आ रही है git rm --cached फाइल। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखिए git rm, ठीक है -- cached, फाइल नेम क्या है index.html, ठीक है भाई साहब आ जाइए ओके। अब वन सेकंड कैंसिल हो जाओ, ठीक है। अब अगर मैं चेक करूंगा git status अगर मैं चेक करूंगा तो आप देखिए आपकी दोनों फाइल अनस्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। अगर मुझे इन दोनों को एक साथ ले जाना है तो सिंपल से बताया तो git add और उसके बाद स्पेस देंगे और लिख देंगे डॉट, तो आपकी दोनों की दोनों फाइलें एक साथ स्टेजिंग एरिया में पहुंच जाएंगी। अब मैं आप लिखूंगा गिट और चेक करूंगा स्टेटस, तो देखिए आपकी दोनों की दोनों फाइलें स्टेजिंग एरिया में पहुंच चुकी है। ठीक है भैया यहां तक समझ में आ गया सारा स्टेप, मैं यहां से क्लियर कर दूं एक मिनट, और अब हम बढ़ते हैं स्टेप आगे। हमने सारी की सारी फाइलों को स्टेजिंग एरिया में ले जा चुके हैं, ठीक है भैया। अब स्टेजिंग एरिया के बाद हमारा जो अगला काम आता था वो आता था कमिट करना। कमिट क्यों करेंगे भैया, मैंने बताया था कि सबसे पहले जब भी आप अपनी गिट फाइल को पुश करना चाहते हैं उसके पहले तीन स्टेज होते हैं, वर्किंग एरिया हो चुका, स्टेजिंग एरिया हो चुका, उसके बाद आता है कि आप अपने फाइल को लोकल रेपो में डालेंगे। लोकल रेपो इसमें डालेंगे, लोकल रेपो क्रिएट करेंगे, यानी लोकल रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे। और जब भी लोकल रेपो की बात आती है तो आपके वो पीसी या आपके लैपटॉप जिसकी बात कर लो उसके अंदर आपकी बेसिकली आती है चीज। अच्छा भैया तो इसका मतलब जो मैं गिट ऐड के बाद अगली कमांड अगला मुझे करना है इसको लोकल रेपो क्रिएट करना है, तो इसके लिए कमांड क्या होती है, इसके लिए कमांड तो बहुत सिंपल सी गिट कमांड होती नहीं, तो क्या कमांड होती देख लेते हैं। चलिए ये देखिए
यह क्लास होती है गिट कमिट माइनस एम। मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं गिट कमिट माइनस एम, इसका मतलब होता है कि आप अपनी गिट कमांड में पहला कुछ कमिट करना चाहते हैं। अच्छा मैं लिख दूंगा यहां पर गिट कमिट, ठीक है माइनस एम, और यहां पे जो भी मैं कमिट लिखना चाहता हूं, कमिट मतलब कुछ कमेंट करना चाहता हूं मैं जो भी यहां पे, ठीक है लिख दूंगा दिस इज फर्स्ट कमिट, दिस इज फर्स्ट कमिट, ठीक है। और जैसे मैं एंटर करूंगा आपका पहला कमिट हो चुका है। अब मैं अगर ऐसा करूंगा गेट स्टेटस, गेट स्टेटस तो अब आपको बताएगा ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्क ट्री क्लीन, मतलब आपकी जो कमिट कुछ भी नहीं बचा, आपने अपना जो पहला कमिट था वो कर दिया है, मतलब अब आपकी एक लोकल रेपो क्रिएट हो चुकी है। आपकी लोकल रेपो क्या हो चुकी है भाई साहब, क्रिएट हो चुकी है। अच्छा भैया लोकल रेपो क्रिएट हो गई होगी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, माय लोकल रेपो क्रिएट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो लोकल रेपो क्रिएट करने की कमांड क्या होती है, सिर्फ इतनी सी, हाँ गिट कमिट माइनस एम और जो भी आपको कमिट करना है पहला, गिट कमिट माइनस एम जो भी आपको पहला कमिट करना है, ठीक है। अब देखो भैया, हाँ अब दिखा दीजिए आप। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपका क्या भैया, आपका जैसे लोकल रिपो क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आप अपनी फाइल को यहां पे कर सकते हो पुश, ठीक है क्या कर सकते हो पुश। तो पुश करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे एक काम करना होता है, डायरेक्ट पुश नहीं कर सकते, आप जो चल रहे होते वो चल रहे होते मास्टर ब्रांच में, किसमें चल रहे होते हो मास्टर ब्रांच में, फिर समझ लो आप किसमें चल रहे होते हो, आप करंट में चल रहे होते हो मास्टर ब्रांच में, किसमें चल रहे होते हो मास्टर ब्रांच में। और जब भी आपको अपनी कमांड को पुश करना होगा तो इस मास्टर ब्रांच से आपको आना पड़ता है ऑलवेज इन अ मेन ब्रांच, किसमें आना पड़ता है मेन ब्रांच, क्यों आना पड़ता है इसकी वीडियो में जब हम नेक्स्ट वीडियो में डेप्थ में बात करेंगे तब समझेंगे। बट जब भी आपको अपने कोड को पुश करना है तो आपको गिट ब्रांच का यूज, मतलब आपको मास्टर ब्रांच से मेन ब्रांच में आना पड़ता है, किससे आना, किसमें आना पड़ता है मास्टर ब्रांच से मेन ब्रांच में। अच्छा तो आएंगे, बिल्कुल आना ही पड़ेगा, तो ठीक है। अब हमारे पास एक ऑप्शन होता है, पहले देखिए गिट ब्रांच एक कमांड होती है, ये क्या करती है, अगर मैं लिखा यहां पे बेसिक गिट गिट ब्रांच, जैसे मैंने लिखा एंटर प्रेस किया, आपको बता रहा है मास्टर, गिट ब्रांच एक कमांड होती है जो आपको बताती कि आप करंटली किस ब्रांच में हैं। नेक्स्ट वीडियो में भाई परेशान मत हो, मैं खुद की ब्रांच बनाना सिखाऊंगा, उसको डिलीट करना सिखाऊंगा, उसके साथ कनेक्टिविटी सिखाऊंगा और बहुत कुछ सिखाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो भाई साहब, बहुत ही एडवांस लेवल की होने वाली नेक्स्ट वीडियो, मतलब जो दूसरे में के पुल रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं क्लोन रिपोजिटरी, बहुत एडवांस लेवल भाई साहब, उसके ऊपर कोई गिट में पूछेगा नहीं आपसे, और कुछ थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाऊंगा, वो वीडियो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का बनेगा, ठीक है। अब बोल रहा हूं, अब हमने सीख लिया कि गिट ब्रांच में, मैंने बोला कि अभी मास्टर ब्रांच में चल रहे हैं, अगर हमको अपने कोड को मेन ब्रांच वहां पुश करना है गिट के अंदर रिमोट सर्वर पर डालना है, गिट हब क्या है रिमोट सर्वर है ना, वहां पे अगर आपको डालना है तो फर्स्ट आपको यूज करना पड़ेगा एक बहुत ही सिंपल सा स्टफ, क्या भाई साहब एक बहुत सा सिंपल सा स्टफ यूज करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं आपको मास्टर ब्रांच से मेन ब्रांच में आना पड़ेगा। अच्छा तो उसके लिए आपके सामने कमांड होती है गिट ब्रांच माइनस एम मेन, इसका मतलब देखो यहां से हमने लिख दिया गिट ब्रांच माइनस एम में, इसका मतलब भाई साहब कि मास्टर ब्रांच सेट के मेन ब्रांच में आ जाओ, ये देखो यहां पे मेन में आ चुकी है, लिख के भी आ चुका, अगर मैं चेक भी कर लूंगा कमांड चला के देखिए आपको बताएगा कि करंटली में आप मेन ब्रांच के अंदर हैं। ओके भैया काफी कुछ अच्छा हो रहा है, लेट मी क्लियर ऑल दिस स्टफ एंड आगे बढ़ते हैं। तो हम मेन ब्रांच के अंदर आ चुके हैं, अब मेन ब्रांच के बाद हमारे से दो स्टेप बचते हैं, पहला हमारा बताता है गिट रिमोट एड ओरिजन, इसका मतलब क्या होता है कि हम जो रिमोट रेपो बनाए हैं उसकी हमको यहां पे लाके यूआरएल डालना पड़ेगा, तो उस पर्टिकुलर यूआरएल पे उस पर्टिकुलर रेपो के अंदर जाके हमारा का पूरा कोड पुश जाएगा, ठीक है मतलब दो कमांड बची हमारा कोड पुश जाएगा। हाँ सबसे पहले पहुंचते हैं हम अपने गिटहब अकाउंट के अंदर और यहां पे क्रिएट करते हैं एक नई रिपोजिटरी, कैसे क्रिएट करेंगे देखिए आपका मेन अकाउंट आ गया, यहां पे आपको प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे दिखेगा न्यू रिपोजिटरी, यहां पे आप क्लिक करेंगे और आपकी न्यू रिपोजिटरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो आप यहां रिपोजिटरी नाम देख लीजिए, जैसे नाम दे रहा हूं मैं फर्स्ट गिट रेपो, ठीक है भाई साहब, और यहां पर लिख देता हूं मैं डिस्क्रिप्शन में जाके दिस इज फर्स्ट गिट रेपो, ठीक है दिस इज फर्स्ट गिट रेपो, और इसको भी पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक का मतलब क्या होता है इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, और प्राइवेट का मतलब कि जिसके साथ हम केवल शेयर कराना चाहते हैं वही शेयर कर पाएगा, या हम खुद केवल उस पे कर काम करना चाहते हैं तो हम इसको पढ़ पाएंगे इसको यूज कर पाएंगे, बाकी कोई इसको यूज नहीं कर पाएगा। अभी हमको ऐड अ रेडमी फाइल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, सिंपल सबको छोड़ देना, बस पब्लिक पे क्लिक करना है और यहां पे क्लिक कर देना है गिट रिपोजिटरी में, क्रिएट रिपोजिटरी में, जैसे आप क्लिक करेंगे बूम ये देखिए
आपके सामने यहाँ पे दो चीजें आएंगी, एक आएगी एचटीटीपी लिंक और एक आएगी एसएसएस लिंक। अभी आपको करंटली में जितना भी काम करना है सब एचटीटीपी के ऊपर काम करना। मैं किसी दिन एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम आपको एसएसएस से भी वर्क करना सिखा देंगे, बट उसके ऊपर भूल जाएंगे भी वो, तो जब थोड़ा किसी शॉर्ट आउट वीडियो में सिखा दूंगा मैं, ठीक है। अभी ये समझो कि मुझे एचटीटीपी क्लिक करना है और ये जो पर्टिकुलर लिंक है यही हमारी इस रिमोट रिपोजिटरी की लिंक है, और यहीं पे हमको लाके अपने उस पर्टिकुलर कोड को, उस पर्टिकुलर फाइल को, उस पर्टिकुलर फोल्डर को लाके यहाँ पे डालना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी सारी की सारी कमांडें लिख के आ जाती है, देखो कि आप कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास होता है सबसे तीसरी कमांड होती है गिट रिमोट एड ओरिजन, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखी थी कि अब आपको रिमोट को एड करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, गिट रिमोट एड ओरिजन। तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा गिट रिमोट एड ओरिजन ओरिजन, और यहां पर लिखना पड़ेगा उसका फाइल का नेम। तो यहां से देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ये, और इसको बूम सकला बूम बूम, यहां से मैंने इसको किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहां लाके इसको मैं कर दूंगा पेस्ट, और जैसे मैं इंटरप्रेस करूंगा आपका काम खत्म, पहुंच गया भाई साहब एड ओरिजन में, पहुंच गया इस पर्टिकुलर फाइल में, आपकी फाइल पहुंच गई, नहीं अभी तक पहुंची नहीं है, कनेक्टिविटी हो गई है। ये कमांड कराती है इस पर्टिकुलर रिमोट रिपोजिटरी से आपके फाइलों को कनेक्शन करा देती है। अच्छा, अगर मुझे पहुंचाना है तो बस हमको पुश करना पड़ेगा, पुश मतलब धक्का देना पड़ेगा, सिर्फ एक धक्का देना है सिंपल सा और ये पहुंच जाएगा। तो कमांड होती है गिट पुश माइनस यू ओरिजन मेन, ठीक है, गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन, इसका मतलब कि मेन ब्रांच जो कि हमारी ओरिजिनल ब्रांच है उसको जाके इस पर्टिकुलर लिंक पे, इस पर्टिकुलर रिमोट रिपोजिटरी पे जाके डाल दो, और ये थोड़ा टाइम लेगा, देखते हैं अगर सब कुछ सही होगा, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आई थिंक कि आपका सारा का सारा जो भी फाइल उसको ले जाएगा, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। आपसे मांग रहा है यूजर नेम, देखिए यहां पर जो ईमेल आईडी वगैरह थी उसके साथ मेरी कोई प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए यहां पर कोई दिक्कत आ रही है। तो अब आप उस ईमेल आईडी वगैरह को जाके सही कर लीजिएगा, बेसिकली मैंने यहाँ पे साथ ईमेल आईडी वगैरह कुछ गलत दे दी इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं उसको मैं अभी रिजॉल्व कर लेता हूँ। और एक मिनट, गिट मैंने क्या कमांड आपको बताई थी जिसकी हेल्प से आप लोग सेट कर सकते हैं किसी भी उसको कमांड को, गिट कन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल, गिट कन्फिग कन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम और यूजर डॉट नेम नेम, और यहां पर लिखना था ओके okay, मुझे एक बार और करना पड़ेगा गिट कन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल, और यहां लिखना पड़ेगा यूजर डॉट ईमेल, और इसके बाद लिखना पड़ेगा यहां पे मुझे ईमेल आईडी मेरा चेक कर लीजिए क्या जो भी ईमेल आईडी सही है। ओके और इसके बाद हमारा अगली कमांड पूरी ईमेल आईडी में चेक कर लीजिए 1 सेकंड। और हमको लिखना है @gmail.com, ठीक है। और मैं जैसे यहां पे इंटरप्रेस करूंगा आपकी ईमेल आईडी सेट हो चुकी होगी। अब अगर मैं जाके यहां बोलता हूं गिट रिमोट रिमोट एड ओरिजन ओरिजन, ठीक है, इसका जाके मैं यहां पे कमांड डाल दूंगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे करता हूं वापस से एक बार कॉपी, एंड आप लोग इस चीज को मैं बोल रहा था कि आप लोग यहां से बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना तो फिर ये पूरी की पूरी एकदम से डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। तो लेट मी क्लियर ऑल दिस स्टफ, सही से लिंक कॉपी नहीं हुई ओरिजन, एंड यहां से मुझे इसको करना है कॉपी, कॉपी हो जाओ पेस्ट हो जाओ ओके पेस्ट हो जाओ पेस्ट हो जाओ वन सेकेंड वापस से गिट रिमोट एड ओरिजन ओरिजन, और मुझे इसको यहां से करना है कॉपी, तो लेट मी कॉपी कॉपी एंड यहां पे लग करना है मुझे पेस्ट, और डाल दो
ठीक है। रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब आपने पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रखा था, वहां पे हमने इसको ऐड कर रखा था। तो अब हमको कमांड चलानी है, लास्ट कमांड जो आई थी जो कि आपकी git push minus u ओरिजिन एंड में, जैसे आप यहां लिख के एंटर प्रेस करेंगे अब आपकी जो कमांड है चली जानी चाहिए, ठीक है। अब आपकी पहुंच चुकी होगी, अगर आप जाके देखेंगे तो अब आपको वहां पे आपका पूरा का पूरा फाइल वगैरह दिखने लगेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बता दीजिएगा कि भैया हमको अभी तक वहां पे कुछ भी हमारा कोड चेंजेस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम अपनी दूसरी प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम में क्लोन कैसे कर सकते हैं और उनको पुश वगैरह कैसे कर सकते हैं, पुश करना सीख लिया, पुल रिक्वेस्ट वगैरह कैसे भेज सकते हैं, ब्रांचेस क्या होती, कैसे हम खुद की कस्टम ब्रांचेस बना सकते हैं, और इन सब बारे में बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और ये जरूर याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज भाई साहब कि आपकी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी अगर आपने ईमेल आईडी और यूजर नेम सही से नहीं डाला। तो आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ईमेल आईडी और यूजर नेम पर बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, अगर आपका ईमेल आईडी यूजर नेम सही सेट नहीं होगा तो आपको बार बार एरर देता रहेगा, ठीक है। और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों साथ शेयर करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भैया काफी कुछ अच्छा था। देखिए मैं चाहूं तो यहाँ कट वगैरह लगा सकता था वीडियो में कि ये एरर आ रहा तो काट दो और आगे बढ़ा दो, सर कर दो, लेकिन नहीं, जो जैसे मैं करता हूं वैसा मैं वीडियो बनाता हूं ताकि अगर आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको रिजॉल्व कर सके, ठीक है भाई साहब। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट स्टेप सीखेंगे, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।